के लिए भी और जो पीड़ित है उनको जरूरत है ब्लड का, उनके लिए और लाभ। डॉक्टर साहब एक बात आपसे जानना चाहते हैं, ये ब्लड डोनेट कैंप जो लगता है, इस ब्लड से कितने लोगों को इमरजेंसी में ब्लड वगैरह मिलता होगा? काफ़ी लोगों को ब्लड मिलता है और जैसे कुछ पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं और हमारे डिपार्टमेंट में जो ऑफ स्कैनिंग डिपार्टमेंट है इसमें पेशेंट्स को डिलीवरी के बाद काफ़ी ब्लीडिंग होती है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग चाहते हैं कि ब्लड मिले जिससे कि तुरंत जान बचाया जा सके और वो मिलता भी है। आप लोगों के सभी लोगों के सहयोग से ही ये मिल पाता है हम लोग को, इसीलिए जो है रेगुलर 3 मंथ्स में लोग डोनेट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और लोगों में के पेशेंट को दे सकते हैं, रीनल डिजीज के पेशेंट को दे सकते हैं, कुछ डिजीज है जैसे किसी को अचानक एबॉर्शन हो गया उसमें काफ़ी ब्लीडिंग होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जिसमें कि काफ़ी पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, उस केस में मरीजों का जान चला जाता है, तो अगर ब्लड हम लोग के पास सरप्लस रहेगा तो हम लोग उसको बचा सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें हेजिटेशन भी होता है लोगों की, कमजोरी हो जाती है, पहली बार हेजिटेशन है दूसरी बार से तो कोई हेजिटेशन नहीं होगा। सुशीला हॉस्पिटल मोहनपुर रोड नियर नक्कू स्थान। क्या नाम है मैडम? डॉक्टर पुष्पा रानी, डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह। पॉजिटिव फील हो रहा है क्योंकि मेरे एक छोटे से स्टेप से बहुतों की लाइफ सेव हो सकती है और मैं इससे इंस्पायर्ड हुई हूँ कि मैं एवरी 3 to 4 मंथ्स में मैं कोशिश करूँगी कि मैं डोनेट करूँ। और आपके जो भी और इसके वीडियो को जो देखेंगे उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप? ये कोई डरने की बात नहीं है, कुछ पेन नहीं होता है, कोई वीकनेस नहीं होती है, आप इजीली जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ और देख के आ जाओ, बस थोड़ा हेजिटेशन है फर्स्ट टाइम का, उसके अलावा कुछ नहीं होता। क्या नाम है मैडम आपका? निशा दुर्रानी। बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये हमारा 9वीं बार हम ये ब्लड दान कर रहे हैं बिहार फेडरेशन में। किसी तरह का डर वगैरह? नहीं कोई डर वगैरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार थोड़ा सा एडिशन हुआ था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जो है बहुत अच्छा लगता है और बहुत अंदर से सुकून महसूस होता है कि ब्लड दान करके हम किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं और किसी की ज़िंदगी में हम जो है अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं और ये बहुत नेक काम है और ये बहुत बड़ा काम है। तमाम युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? तमाम युवाओं से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले आपको ब्लड दान करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा दान है कि आपका ये दान आप पैसे का दान कर सकते हैं, आप एजुकेशन दान कर सकते हैं, लेकिन ये रक्त दान जो है बहुत बड़ा दान है। पता नहीं आप किसी मिलिट्री को, आप किसी सिपाही को, आप किसी गरीब बच्चे को, आप किसी जन्म लिए हुए बच्चे को, आप किसी माँ को, आप किसी ऑपरेशन के लेडीज़ को, किसी नाम हुआ, मेरा नाम मोहम्मद शारिक इब्राहिम हुआ, की जान बचा सकते हैं। इसलिए ये काम बहुत नेक काम है और ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि उन्हें जो है एक बार जब भी मौका मिले जहाँ भी मौका मिले उनको ब्लड दान करना चाहिए और ब्लड दान करने से कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होता है। और देख लीजिए मैं कोई ज़्यादा हेल्थमंद और बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं हूँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9वीं बार ये ब्लड दान कर रहा हूँ और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तंदुरुस्त हूँ, बहुत एक्टिव हूँ। जो भी लोग मुझे करीब से जान रहे हैं वो जानते हैं कि मैं कितना एक्टिव हूँ, समाज में जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है रात हो दिन हो मैं लोगों के लिए हाजिर हूँ। बस लोगों से यही दुआ करता हूँ बस कि सब लोग एक दूसरे को जो है कोऑपरेट करें, कुछ करें और बस दुआ में याद रखें। युवा है ब्लड डोनेट देते वक्त कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ये दे रहा है कि और सेकेंड टाइम है? सेकेंड टाइम है, इससे पहले कहाँ दिए थे? सरकारी हॉस्पिटल में एक लेडीज को। किसी तरह की घबराहट वगैरह किसी वजह से नहीं? क्या नाम है आपका? शाहरुख। जनाब फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या इससे पहले भी डोनेट किया? नहीं साहब पहली बार दे रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, समाज के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्शीद आलम है। मैम अभी आप लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम दे रही हैं ब्लड, किसी तरह की कोई दिक्कत वगैरह है सर? मतलब आप लोगों ने एक मुहिम और एक पहल छेड़ी है ब्लड डोनेट को लेके। क्या नाम है आपका? भाई कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट टाइम दिए हैं या सेकंड टाइम दिए हैं? अच्छा रजिस्ट्रेशन था पहले, क्या होगा नहीं होगा दे तो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? अनिकेत कुमार नंदे। कितना यूनिट ब्लड दिया है अभी आप? आई डोंट नो,
कितना एक यूनिट था। अच्छा अच्छा, अब मान लीजिए किसी को अगर इमरजेंसी पड़ती है आप ही को पड़ जाएगी तो कैसे ब्लड मिलेगा आपको? बिल्कुल हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। हमारे आप ही को अगर इमरजेंसी पड़ जाए, हमारे जो भी भाई हैं, हमारे जो भी साथ हैं, सब हमें कोऑपरेट करेंगे, क्यों नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, कार्ड भी बनता है इसमें? हाँ कार्ड बनता है। ठीक, यहाँ ब्लड डोनेट के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी आए हैं, कैसा लग रहा है ये मुहिम में आप लोग शामिल होके युवा लोग, मतलब कितने लोगों की जान आप लोगों के माध्यम से बचेंगी ये बात समझ सकते हैं? तो आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए। क्या नाम है आपका? ब्लड डोनेट कैंप में अभी तक आप लोगों ने कितने बार कैंप लगाया है? एक्चुअली आज हमारा जो है ये रक्त शिविर का आयोजन हो रहा है, और अब तक न जाने कितने लोगों का जो है यहाँ, मतलब जो भी समस्तीपुर जिला हो या इससे बाहर के जो भी ब्लड के जरूरतमंद लोग आते हैं, हमारे सदर तमन्ना खान साहब जो है उनको जहाँ से भी हो प्रोवाइड कराते हैं ब्लड, और सभी लोगों को यही कहते हैं कि जो भी ब्लड दे सकते हैं तो ब्लड दान किया जाए। ब्लड दान एक ऐसा दान है जो आप किसी के जीवन में जो है आप अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ये बहुत नेक काम है हर धर्म में हर जाति में, इसलिए लोगों को ब्लड दान करना चाहिए। आज हम लोगों का 19वां प्रधान ब्लड दान जिला हॉस्पिटल मोहनपुर में हो रहा है, और जो भी भाई अगर आ सकते हैं, जो भी नियर पेशेंट हैं, वो आके ब्लड दान करें। ये हम लोगों का जो अपील है नौजवानों से, खास करके जो अगर आ सकते हैं तो आके यहाँ ब्लड दान करें। ये हम लोगों का 19वां। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शारिक इब्राहिम। ये ब्लड डोनेट कैंप जो लगाया गया है जी, ये साल में कितने दफ़ा लगता है आप लोगों का? साल में 5 से 6 बार ब्लड डोनेट कैंप लगाया जाता है, और जागरूकता के लिए जब बीच में पेपर में आया था कि ब्लड जो है ब्लड बैंक में मात्र एक यूनिट है, तो हम लोग पूरे शहर के अंदर में घूम कर ब्लड डोनेट के लिए प्रचार किए, जागरूकता फैलाए। तो उस दिन 104 यूनिट ब्लड आया था मिल्लत अकेडमी स्कूल में, और आज कल फिर हम लोग पूरे मोहनपुर में घूमे, क्रांति होटल से लेके और आगे सुशीला हॉस्पिटल तक का हम जो कैंप किए हैं, डोर टू डोर सभी को जाके बता है। तो अभी तक का मैं यहाँ पर 35 यूनिट हो चुका है, और 4 बजे तक का टाइमिंग है उसमें बता भी नहीं बता सकते कितना यूनिट हो सकता है, लेकिन अभी 2 बजे तक का जो है 35 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है। तो ये ब्लड डोनेट जो हुआ है ये इमरजेंसी के काम में आएगा किसी के भी, चाहे वो किसी को भी है। सबसे ज़्यादा हम लोग का उद्देश्य रहता है भैंस फेडरेशन का थैलेसीमिया बच्चा के लिए, क्योंकि एक बच्चा को महीना में 3 यूनिट 2 यूनिट हर हाल में चाहिए। उस टाइम में बच्चा को जो है ब्लड नहीं पी पाता है तो सब ज़्यादा दिक्कत होता है। भैंस फेडरेशन थैलेसीमिया बच्चा के लिए एनी टाइम 12 बजे रात हो 1 बजे रात के लिए एकदम तैयार रहता है थैलेसीमिया बच्चे के लिए। अब तो यहाँ आपने ब्लड जो दिया है जी, वो कलेक्ट होकर रखा जाएगा, कलेक्ट होकर फेडरेशन में जाएगा, लेकिन में चला जाएगा। लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होमों पे हमेशा उंगलियाँ उठती हैं जी कि ब्लड का ये लोग व्यापार करते हैं, तो आप लोग कैसे इसको चेक करते हैं? ब्लड का व्यापार कौन, प्राइवेट हॉस्पिटल करता है या ब्लड बैंक करता है? ब्लड बैंक प्राइवेट अस्पताल हॉस्पिटल करता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि आपके साथ समस्या घटता है या किसी के साथ समस्या घटता है किसी मरीज के साथ, तो वो लिखित में दे, लिख कर कि मेरे साथ फलाना हॉस्पिटल में इतना पैसा मांगा है, उस जो उससे मांग करता है पैसा का या उससे कोई चीज़ का डिमांड करता है कितना पैसा ले गया, वहाँ धंधा होता है, उसी का लिखित शिकायत किया जाए। मुँह बोल के जो होता है कि हमसे वहाँ इतना मांगा गया, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है कि वहाँ होता है। यदि आपको होता है तो वहाँ पैसा का वहाँ लिखित में उसका शिकायत करें। लिखित शिकायत करने से प्रशासन भी कंप्लेंट करेगा, और ब्लड का जो प्रशासन जो होता है, ब्लड का एक अलग प्रशासन होता है, उस वो भी आपका हेल्प करेगा अगर आप लिखित में देते हैं तो। अन्यथा ये जो सिलसिला चल रहा है मनमानी पैसा लेने का, कोई भी चीज़, बहुत सारा समस्ती में बहुत ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर मनमानी पैसा मांगा जाता है। घोरा का धंधा कर सकते हैं इसको जी, काला धंधा इसको कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान हो गया, बिहार फेडरेशन सह सचिव।